कैसे हैं सभी लोग। एसएससी फेज 6 का अभी एक रिजल्ट पब्लिश हुआ है। उसमें यार कुछ कैंडिडेट्स को ना एक्सपीरियंस के वजह से रिजेक्ट किया गया है, ठीक है। और इस चीज को लेके एसएससी फेज 8 के अभी जो डॉक्यूमेंट मांगे थे एसएससी ने, उसके लिए यार कई सारे मुझे कमेंट्स मिले थे कि एक्सपीरियंस कब से कंसीडर होगा, कब हमें बनवाना चाहिए, कब नहीं बनवाना चाहिए। तो आज इस रिजल्ट को देख के हम उस चीज का एनालिसिस कर सकते हैं। तो वही सब चीजें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बातें बहुत छोटी छोटी हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट है एसएससी फेज 8 वालों के लिए। मैंने भी ये एग्जाम दिया था, मैंने भी अपने डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं एक्सपीरियंस को लेके। अब थोड़ी क्लैरिटी मिली है तो कब से एक्सपीरियंस इन्होंने काउंट किया है फेज 6 में, और उनका फाइनल रिजल्ट अभी पब्लिश हुआ है। कुछ पोस्ट के तो लिए यार अभी ये डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं। तो आपको पता है कि एसएससी का 3 साल का जो क्राइटेरिया है ना, पूरा मतलब एक सिलेक्शन प्रोसेस को 3 साल में कंप्लीट करने का, भाई वो हर एग्जाम के लिए चल रहा है। भाई हम बात करते हैं इस वीडियो में। देखो गाइस, यहाँ पर एसएससी फेज आई थिंक ये एनआर रीजन का है, जिसमें अभी 24 मई, ठीक है, 24 मई मतलब ये कल का ही रिजल्ट है, जिसमें इन कैंडिडेट्स की आप रीजन देख सकते हो कि इनको किस वजह से रिजेक्ट किया गया है। ये कोई मोहन है, इनके रोल नंबर और इनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर वो सब दिया है, डेट ऑफ बर्थ दिया है। अब इनका रीजन देखो, इनको रिजेक्ट किया गया है। रिजेक्टेड लेस एक्सपीरियंस एज ऑन क्लोजिंग डेट 1 अगस्त 2018। ये फेज 6 का हम बात कर रहे हैं। हुआ क्या था, इन्होंने फेज 6 में 1 अगस्त 2018 जो है इन्होंने क्रूसियल डेट रखी थी। तो इनका ये कहना है कि इस डेट तक आपको, जैसे मान लीजिए किसी पोस्ट के लिए 2 साल मांगा है, तो इस डेट तक आपके 2 इयर्स का एक्सपीरियंस कंप्लीट होना चाहिए। अब ऐसे देखो, यहाँ पे ये है इन सभी के रिजेक्शन का उन्होंने यही रीजन दिया। अब यहाँ से एक चीज समझ में आती है कि सपोज करो किसी ने फेज 8 वालों के लिए, देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन बनता है फेज 8 वालों के लिए। सपोज करो मैं अपनी बात करता हूँ, ठीक है, आई थिंक 23 2020 इन्होंने क्रूसियल डेट रखा था फेज 8 के लिए। अब इस डेट तक किसी के 2 साल अगर कंप्लीट हो रहे हैं, मतलब जिस पोस्ट के लिए मैंने डाला था वहां पे 2 साल कंप्लीट एक्सपीरियंस है, मेरा यहाँ पे हो भी रहा है, ठीक है, मेरा यहाँ पे हो भी रहा है, लेकिन अब मैंने जो सर्टिफिकेट बनवाया है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाया, वो मैंने बाद में बनवाया है, ठीक है। मतलब मैंने अभी अप्रैल में ये मैंने बनवाया है, ठीक है, अप्रैल 2021 में मैंने ये बनवाया है। इसका मतलब ये है कि इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये कंसीडर करेंगे, मतलब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप अभी बनवा सकते हो, लेकिन उस डेट तक आपके 2 साल कंप्लीट होने चाहिए तो आप रिजेक्ट नहीं होगे, ठीक है। क्योंकि मैं बहुत छोटी छोटी चीजें देख रहा हूँ कि रिजेक्शन क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, ताकि और लोगों को इस चीज के बारे में पता चल सके। आगे फेज 9 अगर होता है तो वहां पर ये चीजें लोग याद रखेंगे। और दूसरी एक और बड़ी इंफॉर्मेशन गाइज ये है, ये देखो जरा, ये पोस्ट कोड NR10918 का अभी इन्होंने रिजल्ट दिया है, ठीक है। अब आप देखो जरा यार, अगर ये 2018 का है, फेज 6 का है ये, आप देखो अगर अभी फाइनल रिजल्ट आ रहा है तो ऑलमोस्ट 3 इयर्स जो हैं लग चुके हैं एक सिलेक्शन प्रोसेस में। इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारा जो फेज 8 का रिजल्ट है, ठीक है, फेज 8 का जो रिजल्ट है 20 से लेके 21 तक 1 साल लगभग हो गया है। मैं मान के चलता हूं कि अभी कम से कम 1.5 ईयर जो है वो अभी लगने वाले हैं फाइनल रिजल्ट में, ठीक। इतना वेट आप सभी लोगों को करना पड़ेगा, मुझे भी करना पड़ेगा, तब हमें आगे पता चलेगा कि हमारा रिजल्ट होने क्या वाला है। सो एसएससी के लिए गाइज सब्र बहुत जरूरी है और मेहनत तो है ही गाइज। देखेंगे जिन लोगों का NR10918 पोस्ट के लिए हुआ है गाइस, आप लोग देख सकते हैं इनका जो कट ऑफ रहा है, फाइनल कट ऑफ रहा है, ठीक है, इस पोस्ट के लिए UR का आप देख सकते हैं 131, 115, ऐसे 102, 91, SC के लिए देखो 80, 97, ST के लिए। सो डिपेंड ऑन वैकेंसीज,
वैकेंसीज क्या है, किस पोस्ट लिख लो, किसने डाला है, ये सब मैटर करता है, तो उस वजह से आप यहाँ पर रिजल्ट देख सकते हैं। गाइस मैं आप सभी लोगों से एक चीज और बोलना चाहूंगा, अपने अपने मार्क्स सभी लोग कमेंट्स करो पोस्ट के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा डेटा कलेक्ट हो पाए, फिर हम है ना एक एनालिसिस कर पाए कि कितने लोगों का सिलेक्शन पॉसिबल है, क्या मतलब एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है। तो गाइस सी यू नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जानने के लिए, और बने रहिए मेरे साथ।